फिर ये होता है कि इसको कबूल कर लिया कर लिया, क्या वो हर जब भी कोई उसको पुकारे उसकी दुआ को सुनता है और कबूल करता है। अब एक आदमी 2 साल से दुआ कर रहा, उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, उसकी परेशानी का हल नहीं मिल रहा, अब वो क्या करेगा? या तो फिर वो कहेगा कि 2 साल से मैं रब को पुकार रहा हूँ और ये सुनी नहीं, रब मेरी सुन ही नहीं रहा। अब या तो वो छोड़ के चला जाएगा, उसका ईमान कमज़ोर हो जाएगा, यकीन कमज़ोर हो जाएगा, 2 साल से पुकार रहा हूँ और ये 2 साल से रब मेरी बात नहीं है तो कबूल नहीं हो रही। तो हर पुकारने वाले की पुकार, अब दो लोग है, मान लो मिसाल के तौर पर 2 लोग है और 2 लोग है, 2 टीमें खेल रही फुटबॉल मैच चल रहा है, दोनों मैच खेल रहे हैं और दोनों दुआ कर रहे हैं कि हम जीते। अब यहाँ कोई ऐसा मसला भी नहीं, दोनों अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो भी नहीं, अब वो दोनों दुआ कर रहे हैं, 11 प्लेयर इधर से 11 प्लेयर उधर से, दोनों अल्लाह को पुकार रहे हैं हम जीते, और जीतेगा कौन? एक ही। तो ये तो नहीं हो सकता कि हमने इसको ये कर लिया कि हर जो पुकारे उसकी दुआ को वो सुनता और कबूल करता है, तो यहाँ तो हो ही गया नहीं। फिर एक जीतेगा दोनों के अंदर से, एक तो हार जाएगा और उसके अंदर फिर ये भी होगा कि गैर मुस्लिम टीम होगी, गैर मुस्लिम होगी एक टीम, एक फिर मुस्लिम की टीम होगी। अब वो ये दुआ करके गए अल्लाह से, तड़प तड़प के दुआ करके गए कि ये मैच तो क्रिकेट मैच हमको जीतना चाहिए या फुटबॉल मैच हमको जीतना चाहिए, और वहाँ गैर मुस्लिम थी और वो जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि हर जो पुकारेगा उसकी हर की दुआ को कबूल करेगा, पहले तो कबूल माना है नहीं, और उसके बाद ये कि हर की वो पुकारे, हर जना पुकारे और हर की वो कबूल कर ले, तो ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर यह भी हो सकता है कि जैसे एक कभी कभी कुछ चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, 2 लोग बैठे, हम दोनों बैठे और एक आदमी बीच में आया, हम दोनों कुछ बातचीत कर रहे हैं और एक आदमी आया बीच में और आके उसने लाके कोई एक मोबाइल बीच में रख दिया, बोले तुम्हारे लिए, के चला के चला गया। अभी हम उसको दोनों को जानते हों या नहीं भी जानते हो, अनजाना, और जानते हैं दोनों, उसके बाद हमको मिल नहीं रहा, वो रख के चला गया हमारे पास। अब वो बोल के गया था कि तुम्हारे लिए, अब दो तुम्हारे लिए, या तो होता है कि 2 जने बैठे तो कहा था तुम्हारे लिए, उसके अंदर भी यही लफ्ज आएगा कि तुम्हारे लिए, यानी दोनों के लिए हो गया। अब एक आदमी सम्मान करता है किसी का, बड़े हैं वो दोनों, उससे बड़े वो छोटा था, तो एक के लिए भी बोलेगा तो कहेगा तुम्हारे लिए। अब ये दोनों कह रहे कि नहीं मेरे लिए रखा, अब दोनों हक पे इस जगह पर, क्योंकि वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो बोल के चला गया तुम्हारे लिए, अब दोनों लड़ रहे इसके लिए कि नहीं मेरे लिए था, और एक कह रहा मेरे लिए था। अब उसके अंदर दोनों दुआ करें अल्लाह से कि जिसका हक उसको मिल जाए, तो अब ये बताइए वो किसको मिलेगा? और एक की अगर कबूल, एक के पास ही जाएगा, 2 पीस तो हो नहीं सकते उस, तो फिर एक की तो कबूल हुई, एक की कबूल ही नहीं हुई, फिर वापस हो जाएगा। तो हर की दुआ कबूल हो ऐसा नहीं होता, ऐसा भी हो, अभी ये चुनाव चल रहे हैं, अब 2 मान लो कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, दोनों ईमानदार हैं और दोनों चाह रहे हैं कि वो जनता का भला करें और दोनों जीत के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अब जीतेगा कौन? जीतेगा तो एक ही फिर वापस। तो हर की दुआ कबूल होना ये नहीं होता है, और अल्लाह ने ये कहा भी नहीं, वो अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया कि हर की दुआ को वो कबूल करेगा।